दलिया और सेवई जो सूख गई, थोड़ा दूध कम हो गया। गुड मॉर्निंग, ये देखिए कल जो पीस के रखी थी ना, देखती हूँ इडली बनाती हूँ, डोसा बनाती हूँ, क्या करती हूँ मालूम नहीं। सब्जी खरीदी, मेरा एलोवेरा अभी काटूंगी, फ्रिज में रखी थी और ये सब्जी कल आई है, वो क्या रखी है, ये सब हल्दी अदरक और तरवा फरवा। तो अभी हमारे पास काम देखते हैं, सब रख लें, चटनी बना लें। ये हो रही है चटनी की तैयारी, गोल मिर्च भी डाल दी है। तो ये देखिए पहला नाश्ता मेरा तैयार हो गया। कल भी आप लोग से पूछी थी कि पहला नाश्ता मेरा क्या है, किसी ने कमेंट्स नहीं किया, तो आज फिर बताइएगा कि पहला नाश्ता क्या है। ये देखिए पारदर्शी बिल्कुल। तो मुझे तो मजा आने लगा है खाने में। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और आ गई हूँ आप लोग के सामने दो लाइन लेकर के कि साहस वो है जो अज्ञात का सामना करने की इच्छा रखता हो। तो आज का दिन बहुत बहुत शुभ मंगलकारी है, आगे मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, सभी छोटों को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। और मेरा नाश्ता आ गया है, वही मेरा रात का दलिया बचा था तो दलिया है और सेवई बनाई थी तो वो भी बची हुई थी, रात में नहीं खाए थे तो आप सभी को सेवई चखाती हूँ। रात में ना एकदम सूख गई थी और अच्छी नहीं लग रही थी, पूरी की पूरी सूख गई थी, तो उसको रख दिए थे कि सुबह दूध डाल के थोड़ा पतला करके खत्म हो गया। इस समय अच्छी लग रही है। लीजिए दलिया भी खाइए। बहुत अच्छा है, इनको भी गुड मॉर्निंग कर लीजिए। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जो लोग भी मेरे ब्लॉग पर न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बेल आइकन पर क्लिक करने पर ऑल का ऑप्शन आता है तो उसे भी क्लिक कर लें और मेरा वीडियो फुल वॉच करें। तो मिल लीजिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा सब अच्छे होंगे। आज का नाश्ता कल का डिनर का बचा था, उसी को सर्जरी करके नए तरह से बनाया गया है, बहुत बढ़िया टेस्ट आज और हो गया। इस समय मजा आ रहा खाने में, साथ में समय का फिर बचा हुआ था। आप लोग खाइए, स्वस्थ रहिए, पसंद कीजिए। तो दोस्तों नाश्ता करके मिलती हूँ, तो अभी क्या और बनाऊंगी लंच में वो भी दिखला दूंगी आप लोग को, ठीक है।
तो ये रहा बॉयल एप्पल। ये देखिए खमीर अच्छे से उड़ गया है, इसमें हमको कोई भी वो नहीं डालना पड़ेगा, इनो वगैरह। खमीर अच्छे से उड़ गया, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। मस्त खमीर उठा है, क्योंकि इसमें दाल ज्यादा है, ज्यादा दाल वाला ही बनेगा। ना जो बचा है इससे सोच रही हूँ डोसा बनाऊंगी, एक तो डोसा बन जाएगा। मेरी दाल भरी एकदम इडली, इसमें दाल ज़्यादा है, सब मिक्स दाल कल मैंने दिखलाया था ना, और उसमें वही खुद्दी चावल पड़ा था तो वही बनाई थी। तो ये देखिए इसीलिए इसमें सब छिलके उलके वाली दाल भी है ना, इसीलिए ये कलर ऐसा आया है, और एकदम बन के मस्त तैयार। और इधर ये डोसा भी बन रहा है। तो दोस्तों दूसरा डोसा निकल गया, ये थोड़ा मोटा ही, हम ही ले लें वाला लोगे हा? ये तो दी अपना, तो तुम खाई चुके खाए। डोसा बनाने का पेशेंस मेरे पास जल्दी नहीं रहता है दोस्तों, इडली बना देते हैं। चलिए खाते हुए मिलते हैं। ये वो लोग तो पलट के भी नहीं सेकते, ऐसे बस रोल कर देते हैं सर, थोड़ा सा और पतला होता है तब। तो दोस्तों ये बनके तैयार है हमारा इडली, और ये किसी तरह से डोसा पहला वाला ख़राब हो गया था, थोड़ा कुरकुरा तो हुआ था।